नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिक्स सेमिस्टर सीएनडी सेक्शन के लिए यूनिट नंबर 2 बिजनेस बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ओके, तो बिजनेस बजट में हमने सेकेंड पार्ट देखा था कैश बजट। तो कैश बजट के तहत आज का हमारा ये है प्रॉब्लम नंबर 3। दो प्रॉब्लम ऑलरेडी हमारे डिस्कस हो चुके हैं, आज हम यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई होगी, लिंक ओपन करके आपको क्वेश्चन लिख लेना है, प्रॉब्लम लिख लेना है और आगे कंटिन्यू वीडियो सॉल्यूशन के लिए देखना है। अब तक जो दो प्रॉब्लम हुए हैं, हर एक प्रॉब्लम में हमने एक नया पॉइंट सीखने की कोशिश की है, ठीक वैसे ही आज का भी ये प्रॉब्लम कैश बजट जैसा ही बनाना है। जैसे कि हमने बेसिक प्रोफॉर्मा में देखा था कि हमें सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस ओपनिंग का, देन उसमें रिसिप्ट ऐड करेंगे, देन उसमें से जो पेमेंट है वो पेमेंट लेस करेंगे और जो रिमेनिंग रहेगा वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश एट द एंड ऑफ द मंथ। ओके, तो इस तरह से हमें कैश बजट बनाना है। लेकिन जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो गिवन इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग तरीके से दी रहेगी, हर सिचुएशन में आपको वो इन्फॉर्मेशन समझना है, पढ़ना है, अच्छे से समझना है और फिर उसको कैश बजट में इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम था उसमें हमने डिटेल देखा है कि जैसे क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, आपको होल क्रेडिटर्स डेटर्स गिवन था, उसमें से हमने क्या किया है सेल्स और परचेस। तो उसमें से हमने कैश परचेस, क्रेडिट परचेस, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, ऐसे अलग अलग उसको बाइफरकेट किया है। देन जो रिकवरी पेमेंट है वो आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, फॉलोइंग 1 मंथ, इस तरह से हमने वहां पे कैलकुलेट किया है। तो इस पे ये जो हमने छोटे छोटे कैलकुलेशन वहां पे किए हैं उस पे आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक उसी तरह से एक्सपेंसेस का भी हमने किया है कि जो वेजेस है और जो अदर एक्सपेंसेस है हमारे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया, वेजेस हो गए, जो अदर एक्सपेंसेस है उसमें भी हमने देखा है कि जो उनका पेमेंट है वो हाफ ईयरली किया जा रहा है या करंट हाफ इन करंट मंथ और हाफ इन नेक्स्ट मंथ, इस तरह से हो रहा है, बराबर है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है कि जो पर्टिकुलर उसी मंथ के है, ना पहले के मंथ के, ना दूसरे मंथ के, या कोई तीनों मंथ के ना होते हुए वो पर्टिकुलर एक ही मंथ के है। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे है कि जो ऑल 3 मंथ में फिक्स्ड है। ओके, तो इस तरह से जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हमें कैश बजट में इनपुट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर। सेकंड प्रॉब्लम भी हमारा ठीक उसी तरह से कुछ हुआ है। अब थर्ड प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। थर्ड प्रॉब्लम भी आपको इन्फॉर्मेशन ठीक उसी तरह से दी हुई है, थोड़े बहुत चेंजेस उसमें हो सकते हैं, सिर्फ आपको समझना है कि किस तरह से वो चेंजेस है और आपको वो कैश बजट में इम्प्लीमेंट करना है और लेना है। क्लियर। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। समराइज्ड बिलो आर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च टू ऑगस्ट 2002। ओके, तो जो इन्फॉर्मेशन दी है, समराइज्ड इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है मार्च से लेकर तो ऑगस्ट 2002 तक। ओके, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 मंथ की इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। वो इन्फॉर्मेशन किस चीज की गिवन है, तो सबसे पहले है सेल्स, ऑल क्रेडिट ब्रैकेट में लिखा गया है, ऑल क्रेडिट मतलब यहाँ पे कैश सेल्स नहीं होगा, जो रिसिप्ट है हमारी उसमें कैश सेल्स नहीं आएगा, उसमें सिर्फ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आएगा। देन परचेसेस, वो भी ऑल क्रेडिट है, मतलब परचेस में भी, परचेस के लिए भी पेमेंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ जो क्रेडिटर्स है वो पेमेंट टू क्रेडिटर्स यहाँ पे आएगा। देन वेजेस एक्सपेंसेस दिया है, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो इस तरह से 4 एक्सपेंसेस हमारे पास है, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस। क्लियर। नीचे देखते हैं और क्या कहा गया है। You are given the following further information. Following further information हमें given है। First, planned costing ₹16,000 is due for delivery in July. Payable 10% on delivery and
द बैलेंस आफ्टर 3 मंथ। ओके, जो प्लांट है प्लांट परचेस किया है और जो प्लांट है वो 16,000 का परचेस किया है, उसका जो डिलीवरी चार्ज है वो कितना है 16,000, लेकिन 16th वो भी इन द मंथ ऑफ जुलाई में। ओके, और उसका जो पेमेंट है पेमेंट ऑफ डिलीवरी वो कैसे होगा ऑन डिलीवरी एंड जो 10% पेमेंट जुलाई में होगा। ओके, जुलाई में वो प्लांट परचेस किया है 16,000 पे और इन द मंथ ऑफ जुलाई 10% उसको पे किया जाएगा और जो रिमेनिंग अमाउंट है फर्दर अमाउंट है वो आगे के 3 मंथ में पे की जाएगी। ओके, अब कौन से 3 मंथ में पे किया जाएगा वो क्लियरली मेंशन नहीं है तो उसे हम छोड़ देंगे, लेकिन इन द मंथ ऑफ जुलाई हमें 10% प्लान के 10% अमाउंट पे करना है। तो पेमेंट में आएगा प्लान 10% अमाउंट 1600। ओके, नेक्स्ट एडवांस टैक्स ऑफ रुपीज 8,000 ईच इज पेएबल इन मार्च एंड जून। ओके, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है, एडवांस टैक्स का पेमेंट हम कर रहे हैं और वो भी 8,000 ईच, मतलब 8,000 ईच मंथ के लिए रहेगा, वो है मार्च और जून के लिए। तो इन द मंथ ऑफ मार्च एंड जून एडवांस टैक्स पेएबल रहेगा रुपीज 8,000। क्लियर। देन पीरियड ऑफ कलेक्शन अलाउ फर्स्ट बाय सप्लायर 2 मंथ्स, सप्लायर की तरफ से सप्लायर को हम 2 मंथ्स का कलेक्शन पीरियड क्रेडिट अलाउ दे रहे हैं और टू कस्टमर और कस्टमर को 1 मंथ का। ओके, तो जो कस्टमर हमारे रहेंगे मतलब जो डेटर्स रहेंगे उनको 1 मंथ का पेमेंट वन मंथ का क्रेडिट अलाउ पेमेंट ऑफ क्रेडिट अलाउ दिया जाएगा। ओके, और जो हमारे क्रेडिटर्स है वो हमें 2 मंथ का क्रेडिट अलाउ पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो क्रेडिट सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स का जो रिकवरी रहेगा रिकवरी फ्रॉम डेटर्स उनको 1 मंथ का पीरियड अलाउ है तो वो 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ उसकी रिकवरी होगी और जो क्रेडिटर्स है उनका जो पेमेंट है वो आफ्टर 2 मंथ होगा। ओके, तो ये भी हमने इसके पहले प्रॉब्लम में कैलकुलेट किया है, वंस अगेन फिर यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। देन लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1/2 मंथ, मतलब लैग इन पेमेंट मतलब वो लेट और विलंब जिसे हम कहेंगे कि वो लेट होगा 1/2 मंथ से। ओके, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रहेगा वो 1/2 मंथ इन द मंथ इन पर्टिकुलर मंथ एंड 1/2 इज नेक्स्ट मंथ। ओके, देन लैग इन पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस 1 मंथ, अदर एक्सपेंसेस जो है वो 1 मंथ आफ्टर पे किए जाएंगे। देन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 मंथ्स स्टार्टिंग ऑन 1 मई 2002 व्हेन देयर वॉज अ कैश बैलेंस ऑफ रुपीज 8,000। देयर वॉज अ कैश बैलेंस ऑफ रुपीज 8,000, वहां पे कैश बैलेंस कितना रहेगा रुपीज 8,000। ओके, तो इस तरह से जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे हमें कैश बजट कैलकुलेट कैश बजट यहाँ पे बनाना है। ओके, तो कैश बजट का प्रोफर्मा फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 जुलाई 2000। क्लियर। देन अब सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं बैलेंस, जो भी बैलेंस रहेगा ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना है 1 मई को है रुपीज 8,000। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हम लेंगे रुपीज 8,000। ओपनिंग बैलेंस मई में है रुपीज 8,000। देन इसमें हम रिसिप्ट ऐड करते हैं तो यहाँ पे रिसिप्ट्स। अब रिसिप्ट की तौर पे हमारे पास क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। देन नेक्स्ट है रिसिप्ट। अब रिसिप्ट में कैश सेल्स हम लेते हैं तो यहाँ पे कैश सेल्स गिवन नहीं है, जो सेल्स है वो ऑल क्रेडिट है। देन यहाँ पे जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ओके, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स यहाँ पे आएगा, लेकिन अब यहाँ पे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लेना कितना है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ओके, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लेना कितना है, जो डेटर्स है उनको
वन मंथ का पीरियड अलाउ किया जाएगा, जो कस्टमर है उनको वन मंथ पीरियड अलाउ किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो सेल्स है वो सेल्स जो पर्टिकुलर उस मंथ में हुआ होगा उसके नेक्स्ट मंथ में उसका पेमेंट किया जाएगा, मीन्स आफ्टर वन मंथ। तो यहाँ पे देखिए मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ओके सेल्स गिवन है यहाँ पे 60,000, देन 62,000, 64,000, 58,000। तो जो सेल्स के अमाउंट है वो हमें कुछ इस तरह से गिवन है। अब जो जिस मंथ में सेल होगा उसका जो पेमेंट है उसके नेक्स्ट मंथ में किया जाएगा। तो अब देखिए हमें जो बजट बनाना है वो मई जून और जुलाई के लिए, तो मई में देखते हैं। अब जो इन दी मंथ ऑफ मई है वो उसमें उसका जो पेमेंट है, मतलब मई महीने में जो भी हमारा सेल्स हुआ होगा उसका जो पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ में किया जाएगा, मीन्स जून में किया जाएगा। ओके जून का जो सेल्स है उसका पेमेंट जुलाई में किया जाएगा, और जुलाई का जो सेल्स है उसका पेमेंट अगस्त में किया जाएगा। ओके अब मई मंथ में हमें किसका पेमेंट करना है, तो हम किसका करेंगे, उसके प्रीवियस मंथ का मीन्स अप्रैल का। तो अप्रैल का पेमेंट मई में होगा, मई का जून में, जून का जुलाई में, ओके आफ्टर वन मंथ। तो यहाँ पे इन द मंथ ऑफ मई में अप्रैल का सेल्स कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 62,000, देन जून में 64,000, और जुलाई में जून का तो वो है 58,000। ओके तो इस तरह से कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 62,000, 64,000 एंड 58,000। क्लियर? अब रिसिप्ट के तौर पे हमारे पास और कुछ है क्या, कोई शेयर्स डिबेंचर्स इश्यू वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है? अगर इश्यू ऑफ शेयर्स इश्यू ऑफ डिबेंचर ऐसा कुछ रहता, या कुछ कैश हमारे कैश रिसीव्ड होने वाली है तो वो अगर रहता तो वो हम यहाँ पे रिसिप्ट में ऐड करते, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है तो इसकी टोटल कर देंगे। टोटल यहाँ पे हो जाएगी टोटल रिसिप्ट अब टोटल रिसिप्ट हम मई मंथ की कर सकते हैं, जून जुलाई की फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जून का और जुलाई का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश नहीं है। यहाँ पे 62,000 प्लस 8,000 70,000 अवेलेबल बैलेंस है। ओके अब देखते हैं उसमें से पेमेंट्स कितना होगा। ओके तो इसमें से हम लेस करेंगे पेमेंट्स। अब पेमेंट्स में देखते हैं और क्या क्या है। तो पेमेंट्स में हम सबसे पहले लेते हैं, अगर कैश परचेस है तो कैश परचेस लेते हैं। कैश परचेस गिवन नहीं है क्योंकि जो परचेस गिवन है वो ऑल क्रेडिट है। ओके अब देखते हैं कि जो क्रेडिट परचेस है उसको हम पेमेंट किस तरह से करेंगे। तो जो क्रेडिटर्स है वो सप्लायर्स जो है वो हमें टू मंथ का पीरियड अलाउ कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे परचेसेस होगा, यहाँ पे लेते हैं परचेस। ओके अब परचेस में देखिए मार्च से लेकर तो अगस्त तक 36,000, 38,000, देन 33,000, 33,000, 35,000, 39,000 एंड 34,000। ओके इनको वन यहाँ पे वन मंथ का पीरियड अलाउ था, अब यहाँ पे टू मंथ का है। ओके तो इसका जो पेमेंट होगा वो आफ्टर टू मंथ होगा। ओके पेमेंट जो क्रेडिटर्स का जो पेमेंट होगा वो आफ्टर टू मंथ होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे मई में आए हैं हम, तो इन द मंथ ऑफ मई में मई का जो पेमेंट है वो आफ्टर टू मंथ मीन्स जून जुलाई में होगा। ओके आफ्टर टू मंथ्स मीन्स जुलाई में होगा। जो जून का पेमेंट है वो अगस्त में होगा, इसका हमें कुछ भी नहीं करना। अब प्रीवियस देखते हैं कि मई मंथ में कौन से मंथ का पेमेंट होगा। तो बिफोर टू मंथ मतलब जो अप्रैल का जो परचेस है उसका पेमेंट मई में होगा, जो मई का है उसका पेमेंट जून में होगा, सॉरी जो मार्च का पेमेंट है, ओके एक मिनट,
जो मार्च का पेमेंट है वो मई में होगा, अप्रैल मई आफ्टर टू मंथ, ओके। जो अप्रैल का है वो जून में होगा और मई का है जो जुलाई में होगा, ओके, आफ्टर टू मंथ। मीन्स मार्च में जो परचेस किया है उसका पेमेंट हम मई मंथ में करेंगे, जो अप्रैल में परचेस किया है उसका पेमेंट जून में करेंगे, और जो मई मंथ में हमने परचेस किया है उसका पेमेंट जुलाई में करेंगे, ओके। तो यहाँ पे पेमेंट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ओके। अब मई मंथ में कौन से मंथ का है, मार्च का, ओके। तो मार्च का परचेस कितना है, 36,000, ओके, 36,000। जून में पेमेंट होने वाला है अप्रैल मंथ के परचेस का, तो वो है 38,000, ओके। देन जुलाई में मई मंथ के परचेस का पेमेंट होगा, तो वो है 33,000, ओके। तो इस तरह से पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स 36,000, 38,000 और 33,000। देन उसके बाद है पेमेंट ऑफ वेजेस। तो वेजेस के पेमेंट के बारे में कुछ गिवन है क्या, कुछ भी गिवन नहीं है। तो वेजेस जैसे है वैसे वैसा उस मंथ का उसी मंथ में हम ले लेंगे, ओके। एक मिनट, पीरियड अलाउ टू क्रेडिटर्स एडवांस लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, लैग इन पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस, और जो वेजेस है, वेजेस यहाँ पे जो हमें ई नंबर का पॉइंट दिया है, लैग इन पेमेंट ऑफ ऑल अदर एक्सपेंसेस, ओके। ऑल अदर एक्सपेंसेस को यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस ऐसा स्पेशली कुछ भी गिवन नहीं है, ऑल अदर एक्सपेंसेस कहा गया है। तो यहाँ पे जो अदर एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के लिए डी पॉइंट में हमें इंफॉर्मेशन दी है, उसको छोड़ के जो अदर एक्सपेंसेस है, जैसे वेजेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये तीनों एक्सपेंसेस का जो पेमेंट है वो आफ्टर वन मंथ होगा, और उसमें लैग इन पेमेंट होगा वन मंथ का, ओके। विलंब, जैसे हम कहेंगे कि देरी होगी उसमें वन मंथ, ओके, उसके पेमेंट के लिए वन मंथ की देरी होगी, ओके। यहाँ पे वेजेस जब जब लेंगे तो आफ्टर वन मंथ उसका पेमेंट होगा। तो यहाँ पे वेजेस में देखिए, तो वेजेस का पेमेंट आफ्टर वन मंथ, मीन्स यहाँ पे जो मई मंथ है उसमें प्रीवियस मंथ का, मीन्स अप्रैल का पेमेंट मई में होगा, मई का जून में, जून का जुलाई में, ओके। तो वेजेस का पेमेंट कुछ इस तरह से होगा, तो देखते हैं, इन द मंथ ऑफ मई में वेजेस का पेमेंट, अप्रैल के वेजेस का पेमेंट मई में होगा, तो वो होगा ₹8,000, ओके। देन मई मंथ के वेजेस का पेमेंट जून में होगा, तो वो है 10,000, और जो जून मंथ है, जून मंथ के वेजेस का पेमेंट जुलाई में होगा, और वो है, जुलाई में जो पेमेंट है वो है 8,500, ओके, 8,500। अब यहाँ पे आपको अगर क्लियरली नहीं दिखता होगा तो मेरी बोलने की तरफ आपको ध्यान देना है कि अमाउंट कितना है, ओके, ठीक है। देन उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस ले लेते हैं या सीक्वेंस से लेंगे, तो सीक्वेंस के बाद, सीक्वेंस से अगर लेते हैं तो देन है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में, अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में देखिए, हाफ मंथ का लैग पेमेंट, लैग पीरियड है, ओके। तो यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में देखा था कि जो वेजेस है वो वेजेस का पेमेंट, हाफ पेमेंट इन सेम मंथ एंड हाफ पेमेंट इन नेक्स्ट मंथ, तो कुछ उसी तरह से हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इस तरह से उसका पेमेंट होगा। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का मई मंथ का देखते, फिर जून का देखेंगे, फिर जुलाई का,
ओके। तो मई मंथ में देखिए, इन दी मंथ ऑफ मई में उसका जो पेमेंट, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो है 4500, ओके। 4500 इसका हाफ यहाँ पे लेंगे 2250, ओके। और जो हाफ है वो जून में लेंगे 2250। अब जून का देखिए, जून का कितना है, जून का है 3500, ओके। 3500 का जो हाफ है वो इस मंथ में लेंगे तो वो है 1750, ओके। और जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट मंथ में लेंगे 1750। अब जुलाई में देखिए, जुलाई में कितना है 4000, तो 4000 जुलाई का जो है वो हाफ करंट मंथ में लेंगे और हाफ नेक्स्ट मंथ में। अगस्त में कितना जाएगा इसका 2000, ओके। यहाँ पे कितना आया हाफ 2000, क्लियर। मई में उसके जो प्रीवियस मंथ है अप्रैल, ओके। तो अप्रैल में क्या हुआ होगा, अप्रैल का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है कितना है रुपीस 3000, तो वो अप्रैल में 3000 पे हुआ होगा और जो हाफ पार्ट है वो मई में 1500 और जो हाफ पार्ट है 1500 वो मई में पेड होगा, ओके। तो इन दी मंथ ऑफ मई में अप्रैल का हाफ पोर्शन, अप्रैल का हाफ एक्सपेंसेस और मई का हाफ एक्सपेंसेस, ऐसे कुल मिला के यहाँ पे 3750 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आएगा, ओके। 3750 देन जून मंथ में, जून का हाफ मई का हाफ, ऐसे कुल मिला के यहाँ पे, यहाँ पे 4000, ओके। और यहाँ पे जुलाई मंथ में 2000 प्लस 1750 3750। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा, मई मंथ में 3750, जून में 4000, जुलाई में 3750। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हम लेते हैं 3750। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्टली अमाउंट लेती तो आपको वो समझ में नहीं आता था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताया है, वो आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर नहीं समझता है तो आप पूछ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया। नेक्स्ट जो ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस लैग इन पेमेंट 1000 है, सॉरी 1 मंथ है, ओके। तो यहाँ पे प्रीवियस मंथ का करंट मंथ में उसकी प्रीवियस और करंट मंथ का नेक्स्ट मंथ में इस तरह से लेंगे। यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस देखिए, मई मंथ में अप्रैल का हम लेंगे यहाँ पे 1500, जून में मई का लेंगे तो वो है 2500 और जुलाई में जून मंथ का लेंगे तो वो है 2000, ओके। देन सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस में भी मई मंथ में अप्रैल का हम लेंगे तो यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस अप्रैल मंथ का है 5000, ओके। मई का है 4500 जो कि जून में पे होगा और जून का जो है वो जुलाई में पे होगा वो है 3500, ओके। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी वो हो गई। अब फर्दर इन्फॉर्मेशन में जो इन्फॉर्मेशन थे, जैसे प्लांट परचेस था तो जो प्लांट का पेमेंट है इन दी मंथ ऑफ जुलाई 10% पे किया जाएगा, तो यहाँ पे प्लांट 10% हमें लेना है 16000 के 10% जुलाई मंथ में, तो जुलाई का कॉलम में 1600, ओके। देन नेक्स्ट एडवांस पेमेंट 8000, एडवांस टैक्स फॉर रुपीज 8000 ईच, तो यहाँ पे एडवांस टैक्स 8000 ईच है, कौन कौन से मंथ में है, मार्च एंड जून, ओके। तो यहाँ पे मार्च का तो बजट हमारे पास नहीं है, वो एक्चुअल में मार्च में पेमेंट हुआ होगा, तो जून में है, तो जून में यहाँ पे हम कितना लेंगे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स रुपीज
8000। ओके, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स यहाँ पे कितना आएगा, ₹8000। देन उसके बाद जो पेमेंट है वो सारे पेमेंट हो गए हैं, वेजेस का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग ऑफिस एक्सपेंसेस सारे पेमेंट हो चुके हैं। तो अब जो भी हमारे पेमेंट हुए हैं वो पेमेंट की टोटल हम करेंगे, टोटल रिसिप्ट हमारे पास कितनी है, टोटल पेमेंट कितना हुआ और एंडिंग में हमारे पास कैश अवेलेबल कितनी। आप टोटल पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे सेकंड ये हुआ ए, सेकंड है टोटल पेमेंट, इसको नाम लेंगे हम बी क्योंकि रिसिप्ट में से पेमेंट लेस करके हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। यहाँ पे टोटल पेमेंट, ओके, पहले मई मंथ का करेंगे, 36,000 प्लस 8,000 प्लस 3,750 प्लस 1,500 प्लस 5,000, यहाँ पे टोटल पेमेंट होगा यहाँ पे 54,250। ओके, अब टोटल पेमेंट में से टोटल रिसिप्ट में से टोटल पेमेंट लेस हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा कैश का, क्लोजिंग बैलेंस, और इसे हम कह सकते हैं कैश एट द एंड ऑफ मंथ। ओके, इस मंथ के एंड में कैश हमारे पास कितनी अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे 70,000 में से 54,250 अगर लेस करते हैं तो यहाँ पे अवेलेबल कैश बैलेंस हमें मिलेगा 15,750। ओके, 15,750 है हमारा कैश बैलेंस। ओके, और ये जो मई मंथ का क्लोजिंग का कैश बैलेंस है वो जून में ओपनिंग का कैश बैलेंस हो जाएगा, तो वो कितना है, 15,750। ओके, ओपनिंग का कैश बैलेंस कितना होगा जून का, 15,750। देन इसके टोटल करेंगे, टोटल रिसिप्ट हमारे पास कितनी है, तो 15,750 प्लस 64,000, तो 79,750। 79,750 टोटल पेमेंट देखते हैं कितना होता है, 38,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 2,500 प्लस 4,500 प्लस 8,000, यहाँ पे 67,000। ओके, 67,000। अब टोटल रिसीप्ट में से टोटल पेमेंट जो है वो लेस करेंगे, 79,750 में से 67,000 लेस करते हैं तो यहाँ पे जो बैलेंस रहेगा इन द मंथ ऑफ जून वो रहेगा 12,750। ओके, अब जून का जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश एट द एंड ऑफ मंथ है वो जुलाई का ओपनिंग बैलेंस रहेगा 12,750। ओके, तो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस लेते हैं जुलाई का, टोटल रिसिप्ट 12,750 प्लस 58,000, यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस हमारा आएगा 70,750। ओके, इसका टोटल पेमेंट कर लेते हैं, 33,000 प्लस 8,500 प्लस 3,750 प्लस 2,000 प्लस 3,500 प्लस 1,600, तो यहाँ पे टोटल इसकी आएगी 52,350। अब टोटल रिसिप्ट में से टोटल पेमेंट जो है वो लेस करेंगे और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा 18,400। ओके, क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना आएगा, 18,400। ओके, तो इस तरह से आज का हमारा ये प्रॉब्लम कैश बजट का प्रॉब्लम नंबर 3 यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। 3 प्रॉब्लम हमारे हो चुके हैं, जैसे कि हमने बजट इस यूनिट में 3 फ्लेक्सिबल बजट के प्रॉब्लम और 3
कैश बजट के प्रॉब्लम लिए हैं। यहाँ पे एमसीक्यू में इसके अलावा और कुछ भी पूछने की चांसेस नहीं है, तो जो कुछ भी चांसेस थे उसके ऊपर मैंने आपको जो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आपको दिए हुए हैं। इसी के साथ साथ आपको एमसीक्यू का एक बंच भी दिया जाएगा जो कि आपको आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आशा करते हैं कि ये जो यूनिट था बजट एंड बजटरी कंट्रोल वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन आज हम इस यूनिट को यहीं पे स्टॉप करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3 उसकी शुरुआत करते हैं। तो दो यूनिट हमारे हो चुके हैं। फर्स्ट यूनिट था हमारा ब्रेक इवन पॉइंट और सेकंड यूनिट में हमने देखा है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ओके, तो इस दो यूनिट में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो आप मुझे फ्रीली पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे एक नए यूनिट के साथ जिसका नाम है रेशो एनालिसिस। बहुत ही इजी और अच्छा टॉपिक है, मार्क स्कोरिंग के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और आपको समझने के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा, उस वे से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं नए यूनिट के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।